साथियों, किसी भी महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। महापुरुषों की जाति को बंधन में बांध कर नहीं देखा जा सकता। उनके द्वारा किए गए नेक कार्य सिर्फ किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं वरन सर्व समाज के लिए होते हैं। परंतु भारतीय इतिहासकारों का काला सच ये है कि जितने भी इतिहासकार जिन्होंने इतिहास लिखा है विशेष जाति के होने के कारण अपनी मनमर्जी से इतिहास की रचना की है। छोटी जातियों के इतिहास और महापुरुषों का इतिहास लिखते समय उन्होंने अपनी जातिवादी मानसिकता के कारण उनका उल्लेख करने में कंजूसी बरती, जबकि बड़ी जातियों के महापुरुषों का इतिहास और गुणगान बड़े ही ऐतिहासिक तरीके से लिखा गया है। इसी वजह से वाल्मीकि समाज में भी कई महापुरुषों ने जन्म लिया और समाज और धर्म के और देश के लिए अपने प्राण नौछावर कर दिए, परंतु इतिहासकारों ने अपनी जातिवादी मानसिकता के कारण उन्हें इतिहास में कोई जगह नहीं दी और उनका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया। और यदि कहीं थोड़ा बहुत लिखा गया है तो उसे बहुत छोटे से रूप में लिखा गया है और उनका सारा श्रेय किसी बड़े सवर्ण समाज के महापुरुष को दे दिया गया है, उसे हीरो बना दिया गया है। साथियों, इसी जातिवादी मानसिकता के कारण अमर शहीद श्री माता दीन वाल्मीकि जी के इतिहास को कुचल दिया गया और एक सवर्ण मंगल पांडे को सारा श्रेय देकर उसे देश का सबसे बड़ा हीरो घोषित कर दिया गया, जो कि इतिहासकारों की मानसिकता की वजह से संभव हो सका। हकीकत में मंगल पांडे जी ने जो कार्य किया उसका सारा श्रेय अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी को जाता है। परंतु सवर्ण ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे जी को देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया गया और उन्हें इतिहास में दर्ज कर दिया गया। शहीद माता दीन वाल्मीकि जी एक दबंग निडर पहलवान व्यक्ति थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने उन्हें खलासी के पद पर नियुक्त किया था और वह सेना में कार्य करते थे। वहीं पर उनकी मुलाकात श्री मंगल पांडे जी से हुई थी और मंगल पांडे जी भी उन्हें पसंद किया करते थे, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उनके अंदर भी छुआछूत की भावना थी, जिससे वह दूरी बनाकर रहते थे। एक बार शहीद माता दीन जी का मंगल पांडे से पानी पीने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद वो विवाद ज़्यादा बढ़ गया। तब शहीद माता दीन वाल्मीकि जी ने गुस्से में आकर उन्हें कहा कि वह जिस तरह हमारे साथ जातिवादी व्यवस्था बनाए हुए हैं, हमें गुलामों की तरह बर्ताव करते हैं, वह स्वयं अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं और जो कारतूस वह अपने मुंह से खोलकर चलाते हैं वह सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बनते हैं। यह सुनकर श्री मंगल पांडे जी को बहुत क्रोध हुआ और वह इस बात को लेकर बहुत विद्रोह के मूड में आ गए और उन्होंने तभी माता दीन वाल्मीकि जी से माफ़ी मांगी और उन्हें गले लगाया और यह खबर सारी भैरकों में पहुंचा दी। सारे सैनिकों तक ये खबर आग की तरह फैल गई और इस घटना को लेकर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हाहाकार मचने लगा और इस तरह स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत हुई। और फिर जब विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेज़ों ने रिपोर्ट लिखी तो उसमें प्रथम व्यक्ति शहीद माता दीन वाल्मीकि जी के नाम से और उनके साथियों के नाम से लिखी गई, इतिहास में ये दर्ज है। और जब अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को पकड़ा तो सबसे पहले प्रमुख होने के कारण श्री माता दीन वाल्मीकि जी को ही सर्वप्रथम फांसी पर लटकाया गया, उसके बाद मंगल पांडे जी को फांसी दी गई। परंतु जातिवादी इतिहासकारों ने इस सारे इतिहास को कुचल कर रख दिया और अपने अनुसार अपना इतिहास लिखा। ब्रिटिश शासकों ने भी शहीद माता दीन जी को प्रमुख सूत्रधार माना था, जिन्होंने 1857 की क्रांति कराई थी। बहुजन साथियों, हकीकत में हिंदुस्तान का, इस भारत देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद माता दीन वाल्मीकि जी ही थे, परंतु इन जातिवादी इतिहासकारों ने
एक सवर्ण को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर रखा है। आज भी इस देश की जनता मंगल पांडे जी को ही प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानकर उन्हें आदर मान सम्मान देती है, जिसका कि असली हकदार श्री शहीद माता दीन वाल्मीकि जी हैं। तो साथियों, आइए आज हम नमन करते हैं हमारे युग पुरुष शहीद माता दीन वाल्मीकि जी को, जिन्होंने एक इतिहास रचा लेकिन उसका श्रेय उन्हें नहीं मिला। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।